देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि दो सावन के महीनों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, उसलिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और उस प्रेशर को मानते हुए हमने भी काफ़ी समय निकाला, परिस्थितियां उस वजह से गंभीर हो गई। लेकिन कुछ थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही रही और उसकी वजह से समस्या ने विकराल रूप ले लिया और उस वजह से हम यहाँ तक आ गए। अभी बैठक करके चर्चा कर दी है और ये बात हो गई है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो विकट समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो जाएगा। जो हमारा धरना है उसको हम स्थगित करके, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद में 8 तारीख आती है, तो 8 तारीख तक हम ये कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो जाए, वरना 8 तारीख को फिर हम फिर से धरना और घेराव का कार्यक्रम करेंगे। सरकार के खिलाफ ये धरना नहीं है, ये अव्यवस्था के खिलाफ धरना है। आप समझ रहे हैं, अव्यवस्था के खिलाफ। कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी होना पड़ता है, अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। अपने लोग कोई अव्यवस्था कर रहे हैं उसको बार बार दबाएंगे तो उससे तो सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। ज्यादा प्रताड़ित तो है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और उस वजह से बिजली विभाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। लेकिन मिसमैनेजमेंट होते हुए भी कुछ मैनेजमेंट करके चीजों को समाधान करके एक रीजनेबल जगह पर आया जा सकता है। मैं समझता हूं उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही और यदि उस मैनेजमेंट को सुधार कर लिया जाए तो चीजों का समाधान हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होना चाहिए। जो जनता के दिल का दर्द अपनी जुबान पर नहीं ला सकता उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो अब क्या डिसीजन रहेगा? मैंने आपको बताया कि हमने बैठकर एक प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत 3 से 4 दिन में व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, ये पूरे जिले के लिए लागू। उसलिए मैंने तारीख दी है वापस कि 8 तारीख को, अगर उससे पहले व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो 8 तारीख को 12:30 बजे यही धूप होगी, यही मैदान है और आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं। ये पूरे जिले के लिए ये तो नहीं कर रहे हैं कि आगे कभी भी, 8 तारीख दे रहा हूँ आपको जी। ये पूरे जिले के लिए व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही या नहीं? पूरे जिले की सुधरेगी ऐसी बात नहीं है। हिंडोली और नैनवा भी जिले में ही आता है, कोई बांग्लादेश से नहीं आया हिंडोली नैनवा। आप हिंडोली नैनवा को जिले से बाहर क्यों समझते हैं? मैं तो ये धीरे धीरे ये आप लोगों ने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है कि जैसे हिंडोली नैनवा जिले से बाहर है, जिले के अंदर है, जिले का दिल है हिंडोली और नैनवा। तैयारी है मतलब विद्युत सप्लाई अच्छी हो? नहीं, हमने एक अच्छा प्लान डिवाइस कर सके हम जब बैठ के डिस्कशन हुआ। हालांकि डिस्कशन जिला लेवल के अधिकारियों से तो 10 दिन में हमारा होता है, लेकिन अब आज बड़े सीनियर अधिकारी और बहुत एक्सपीरियंस वाले हमारे अधिकारी जयपुर से आए हैं तो उनके एक्सपीरियंस का भी हमारे जिले को फ़ायदा मिलेगा और अच्छा हमको उम्मीद है कि 3-4 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।